हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 28 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका यूज इफेक्ट हुक के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, हुक का इंट्रोडक्शन दिया था और वो कहाँ यूज होता है आपका फंक्शन कंपोनेंट में, किस किस तरीके से हम यूज करेंगे, वो सब हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। अब जो हम लाइफ साइकिल मेथड अभी तक क्लास कंपोनेंट के अंदर करते आ रहे थे, वो सारे के सारे लाइफ साइकिल इस एक हुक के अंदर ही पॉसिबल है फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। वो कैसे होंगे वो सब कुछ हम करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जस्ट की गाइज, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। एंड गाइज, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपका व्हाट इज अ यूज इफेक्ट हुक, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है मैंने, इसको रीड कर लेते हैं पहले। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिएक्ट जेएस, यूज इफेक्ट इज अ बिल्ड इन hook that allow you perform side effect in functional components. Side effect typically invokes tasks that should be executed after a component has rendered, such as fetching data from an API, subscribe to event listeners, or updating the document title. It is analogous to lifecycle methods like component did mount, component did update and component will unmount in a class component. यही सारे के सारे चीजें मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल के मेथड के अंदर प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाई थी, जिसमें हमने did mount, did update, will unmount, ये सारी चीजें हमने कवर करी थी क्लास कंपोनेंट के अंदर। अब वो सारे की सारी चीजें हैंडल करता है आपका एक सिंगल हुक, जिसका नाम है आपका यूज इफेक्ट, जो कि यहां मैंने मेंशन कराया है, ओके? और ये चलता है आपका फंक्शन कंपोनेंट के साथ में। कैसे? उससे पहले यहां पे अगर मैं आपको इसका सिंटैक्स दिखाऊं तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपका यूज इफेक्ट आएगा, फिर देन उसके बाद में आपके पैराथिनिस, देन उसके अंदर आपको एक एरो फंक्शन बनाना होगा, ओके? एरो फंक्शन के बाद में आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको यहां पे एरे का साइन दिख रहा होगा, ये है आपकी डिपेंडेंसी। अगर आप चाहें तो डिपेंडेंसी क्रिएट कर भी सकते हैं, अगर नहीं चाहते आप तो हर बार रेंडर होने पे आपका यूज इफेक्ट कॉल होगा, जैसे कि मैंने यहां पे मेंशन करा है, ओके? एंड इसी के अंदर अनमाउंट वाले केस के लिए, अगर आपको अनमाउंट पे कुछ क्लीनअप करनी है या फिर कुछ रेंडर कराने से पहले अपने फंक्शन में कुछ एग्जीक्यूशन चाहिए आपको, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। रिटर्न के केस में रिटर्न, देन पैराथिनिस, एरो एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको परफॉर्म कराना है वो। तो ये सारी की सारी चीजें आने वाली वीडियोज में भी देखेंगे और इस वीडियो के अंदर भी इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और आपको यूज इफेक्ट का यूज करके मैं आपको एग्जांपल करके यहाँ पे दिखाता हूँ। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे फाइल होने वाली है आपकी app.js, जो कि हमारा एक फंक्शन कंपोनेंट है, ओके? यहाँ पे आपको h1 दिख रहा होगा और इसी का आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूज इफेक्ट के तौर पे, ओके? यहीं पे हम देखेंगे। और एक बार मैं अगर आपको रिवाइंड करवा दूं, जो हमने डायग्राम देखा था पिछली कुछ वीडियोस में, अनमाउंटिंग के केस में कंस्ट्रक्टर देखा था, रेंडर देखा था, कंपोनेंट डिड माउंट देखा था, ये सारा कुछ आपका केवल एक ही मेथड कर सकता है, जिसका नाम है आपका यूज इफेक्ट, ओके? वही हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले कैसे यूज करना होगा आपको यूज इफेक्ट वो देखिए। पहले तो आपको एक फंक्शन कंपोनेंट बनाना होगा, अगर आपने बना लिया है तो उसके बाद में आपको यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट करवाना होगा यूज इफेक्ट को, ओके? ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे आपके कर्ली ब्रेसेस के बाद में यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करवाया एंड देन मैं यहां कर देता हूं आपको एग्जांपल 1, ओके? यूज इफेक्ट, इसके बाद में पैराथिनिस, देन इसके बाद में मैंने अभी आपको बताया था कि एरो फंक्शन है आपका। और जो डिपेंडेंसी वाला केस है ना, वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इस वाली वीडियो में देखते हैं हम आपका अपडेट और माउंट कैसे चलता है गाइज आपका। तो यहां पे अगर मैं कंसोल लगा दूं और यहां पे मैं लिख देता हूं आपका यूज, ये मैंने आपका कंसोल लगा दिया और कंसोल के साथ में अलर्ट भी लगा देते हैं सेम चीज का, जिससे कि आपको पता लग सके जब भी आपका रेंडर होगा ये कंपोनेंट तो आपका ये यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए। तो यहां करूंगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद में हम चलेंगे यहां पे और यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, जैसे ही रिफ्रेश हुआ कंपोनेंट यहां पे आपका अलर्ट बॉक्स आ चुका है और जैसे ही आप देखेंगे यहां कंसोल भी आपको दिख रहा है। अगर मैं एक बार और रिफ्रेश करूं तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यूज इफेक्ट हुक आपको अलर्ट बॉक्स में दिख भी रहा है एंड यहां पे आपका कंसोल में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कंपोनेंट डिड माउंट वाला केस तो यहां पे चल रहा है, ओके? अब अपडेट वाले केस में आप कैसे देखेंगे? आपने देखा कि हुक को कैसे डिक्लेयर करते हैं, पहले आपको यूज इफेक्ट लेना है, ठीक है? इंपोर्ट करवा लिया आपने, देन उसके बाद में पैराथिनिस, देन उसके बाद में आपको यहां पे एरो फंक्शन डिक्लेयर करना है और अभी के लिए मैंने यहां पे अलर्ट और कंसोल दिखाया है और आने वाली वीडियोस में हम लॉजिकल वर्ब भी करेंगे इसी के अंदर, ओके? अपडेटिंग वाला केस कैसे चेक कर सकते हैं कि अपडेट के केस में कैसे चलेगा ये आपका यूज इफेक्ट, क्योंकि यही सब कुछ हैंडल कर रहा है लाइफ साइकिल का मेथड। तो यहाँ पे आपको अब क्या चाहिए होगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाता हूँ आपका यूज स्टेट ऑल्सो और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका एग्जाम्पल 2, ठीक है? कॉन्स्ट लेते हैं यहाँ पे
कॉस्ट में मैं आपको अब काउंट ले लेते हैं, देखिए ठीक है, सेट काउंट मैंने हर बार जैसे कि एग्जांपल दिया है आपको इस चीज का, और यूज स्टेट का मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में कुछ वीडियोस बना के आपको पढ़ा रखा है, तो ये सब चीजें मैंने पहले कवर कर रखी है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे यूज स्टेट है, इनिशियल वैल्यू जीरो हो गई आपकी। अब यहाँ पे अपडेट होगा कैसे, तो यहाँ पे अपडेट होगा आपका इस केस में जब हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले एच टू हो गया हमारा, यहाँ पे काउंट। अब इस काउंट में हमें सबसे पहले मिलेगा जो काउंट, वो इनिशियल वैल्यू हमें क्या मिल रही है, जीरो। देखिए मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूं, अगर मैं करूं सेव एंड सेव करके यहाँ पे चलूं, तो ये देखिए अभी भी आपका हर बार जब सेव करने के बाद आप देख रहे हैं रेंडर पे, जितनी बार भी आपका कुछ भी चेंज होगा, जैसे कि मैंने आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर पढ़ाया था कि आपका अनमाउंट कब चलता है, जब आपका कंपोनेंट चला जाता है, ओके, बट अपडेट और जो आपका माउंट होता है वो चलता है आपका रेंडर के केस में। और अपडेटिंग आपकी कब चलती है, आपकी जब कोई प्रॉप्स हो या स्टेट हो, अपडेट होती है सेम कंपोनेंट के अंदर, ओके। तो ये है आपका मेथड जो कि हमने पिछला कवर करा था, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा था। अब इसके बाद में हमें इसे अपडेट भी तो कराना होगा, हम बटन लेंगे, बटन पे हम क्या करेंगे, आपका अपडेट काउंट, और काउंट में यहाँ पे क्लिक डिफाइन करेंगे हम, ये देखें कुछ इस तरीके से ये चीज कर दी हमने। अब देन उसके बाद में सेट काउंट आएगा आपका, इसके अंदर काउंट प्लस वन, क्योंकि इंक्रीमेंट चाहिए हमें हर बार एक, ओके। करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद में अगर मैं यहां पे चलूं अब, तो यहां पे देखिए ओके, अभी यहां पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एरर किस चीज के लिए देखने को मिल रहा है, यहां चलते हैं वापस से, ओके ओके, एरर इसलिए देखने को मिल रहा है, यहां पे हमने एरो फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं करा था, कुछ इस तरीके से ये देखिए। अब यहां पे इसको मैंने डिक्लेयर करा, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद वापस आएंगे यहां पे, तो यहां पे कुछ इस तरीके से। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले अलर्ट को कमेंट कर देते हैं हम, यहां पे करूंगा मैं सेव, वापस चलेंगे ब्राउजर पे। अभी आपको यहां पे यूज इफेक्ट हुक दिख रहा होगा, जो कि फर्स्ट रेंडर पे आपको दिख रहा है। अब जैसे ही हमारा स्टेट अपडेट होगा ना, उस केस में भी आपका ये वर्क करेगा। देखिए कैसे, एक मिनट, मैं क्या करता हूं, यहां पे कंसोल में एक और कंसोल लगा देता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं अपडेटिंग, ठीक है। तो आपको दोनों दिख रहे होंगे, इनिशियल लेवल पे भी और ये भी, अब दोनों ही प्रिंट होंगे एक बार में। देखिए अब दोनों आपको प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं, अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूं अगेन, तो देखिए यूज इफेक्ट हुक और अपडेटिंग, इसका मतलब है जो अभी हमने यूज इफेक्ट यूज करा है वो अभी हमारा रेंडर होने के कॉल पे हो रहा है, दोनों कंसोल प्रिंट हो रहे हैं। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दो दो बार आपके क्लिक होते जा रहे हैं, दिख रहा है आपको। तो यूज इफेक्ट आपका हर बार रेंडर होने पे चलेगा, पहली चीज। और अपडेटिंग के केस में जब कभी भी उसे प्रॉप्स या स्टेट जो भी आपको मिलेंगी वहां पे न्यू चीजें, उस केस में भी आपका ये आपका चलेगा यहां पे। और रह गई बात आपकी डिपेंडेंसी की, अब डिपेंडेंसी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मानिए यहां पे डिपेंडेंसी है आपकी, कॉमा लगा दिया आपने, कुछ इस तरीके से आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास में मल्टीपल मानिए स्टेट्स हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बस एक ही बार यूज इफेक्ट चले, तो आप यहां पे कुछ इस तरीके से काउंट पास कर देंगे, तो ये केवल काउंट के केस में आपका यूज इफेक्ट वर्क करेगा। तो ये इस तरह की आपकी यूज इफेक्ट की कंडीशन वाली चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे करते हैं हम सब। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको माउंट से रिलेटेड, अपडेटिंग केस से रिलेटेड, और यूज इफेक्ट कैसे यूज करना है आपको, और केवल आपने देखा कि इतना सब कुछ लिखते थे हम क्लास कंपोनेंट के अंदर, बट यहां पे कितना कम लिखने में हम चीजें गेट कर पा रहे हैं, ओके। तो ये है इंपॉर्टेंट गाइस, जो आपका यूज इफेक्ट है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से सीखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा आजकल के इंटरव्यू के अंदर, ओके। इंटरव्यूअर आपसे यही एग्जांपल पूछेगा, यूज इफेक्ट कैसे लाइफ साइकिल वर्क करता है, कैसे आप उसके अंदर चीजें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे यूज इफेक्ट विद कंडीशन को, कि कंडीशन के साथ में कैसे हम कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।